Just like that, everything is just ready in time. Hi guys, welcome to Zoom into Food. So, आज है थर्सडे और थर्सडे को मैं यूजुअली एक टाइम एकदम सादा मील बनाती हूँ और शाम के टाइम स्पेशली मैं एकदम हैवी मील बनाती हूँ बिकॉज सोमिक का फास्ट होता है थर्सडे को. तो शाम को ही नीड्स प्रॉपर डिनर काइंड ऑफ थिंग बिकॉज वो पूरे दिन का एक ही मील होता है. विच ही हैज़ सो इसके लिए आज मैं बनाने जा रही हूँ उसकी सब फेवरेट चीज़ें, जो है हरा भरा कबाब पहले तो, एंड सेकेंडली इट्स ब्राउनी, चोको चिप ब्राउनी. और दूसरा एक है कि मैंने ना अभी थोड़े टाइम पहले ड्यूरिंग दिवाली मैंने बेक्ड स्पिनैच चकली बनाया था, तो उसको वो इतना अच्छा लगा तो आज मैं नॉर्मल वर्जन बना रही हूँ, लाइक नॉर्मल चकली बना रही हूँ. और बेक्ड तो रहेगा ही पर स्पिनैच नहीं रहेगा. ब्राउनी इसके लिए बना रही हूँ बिकॉज मैंने ना ब्राउनी का एक अलग से नया मोल्ड लेके रखा है एंड इट्स अवन सेफ, तो मुझे वो ट्राई करना है. इसके लिए वो थोड़ा सा ही बनाऊंगी और प्लान ऐसा है कि दोनों साथ साथ में हो जाए, चकली और ब्राउनी का, बिकॉज एक ही टाइम अवन में दोनों को सेम टेम्परेचर और दोनों को सेम टाइम लगता है. सो मैंने सोचा कि साइमल्टेनियसली काम करते हैं और कुछ तैयारी चालू नहीं किया है. इट्स ऑलरेडी 3:30, मुझे 5 तक सब कंप्लीट करना है. सो आई हैव टू मल्टीटास्क इन दिस. सो चलो देखते हैं क्या थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैंने करके रखी है, वो आपको मैं दिखाती हूँ. सो सबसे पहले आटे को मैंने स्टीम कर दिया है फॉर चकलीज, तो अब इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी फिर इसको चर्न करेंगे. और पालक को बॉईल करने रख दिया है फॉर हरा भरा कबाब. पोटैटोज आर ऑलरेडी बॉइल्ड और बस इतना ही हुआ है, अभी सब कुछ बाकी है. सो चलो फटाफट काम करते हैं. जो ज़्यादा टाइम जिसमें लगने वाला है ना, सबसे पहले मैं वो काम कर रही हूँ. सो चकली का पूरा ओवरऑल बैटर और वो डो बनाने के लिए, नॉट बैटर, डो बनाने के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. और अभी मैं इसको चर्न कर रही हूँ एक फाइन पाउडर में, तो पहले वो बना देते हैं, पहले चकली का रेडी कर देते हैं, फिर ब्राउनी के लिए चोको चिप ब्राउनी का रेडी करेंगे जब तक ये हो जा रहा है तब तक, बिकॉज टाइम है नहीं ज़्यादा. सो देखते हैं कितना हो पाता है. मुझे 5 तक फ्री भी होना है बिकॉज मेरे को जिम जाना है. 5 to 6 एल्गो जिम है, अराउंड 6:30 ही शुड बी हियर. सो वो आधे घंटे का जो टाइमिंग रहेगा ना, वो मैं इसमें सोच रही हूँ कि रोस्ट करने में हरा भरा कबाब, बिकॉज आई यूजुअली प्रिपेयर हरा भरा कबाब विदाउट ब्रेड क्रम्स एंड ऑल्सो आई डोंट फ्राई. मैं फ्राई नहीं करती हूँ, मैं शैलो फ्राई करती हूँ. आई डोंट भरा कबाब बनाने के लिए मुझे थोड़े से बॉइल्ड और क्रश्ड ग्रीन पीस चाहिए रहेंगे. सो मैं तब तक इसको बॉइल होने देती हूँ. अलग कुक हो गई है अच्छे से, तो अभी इसका भी एक पेस्ट बना देते हैं साथ साथ में, सो फिर वो इजी गिरे. जिधर पॉसिबल हुआ मैंने कर दिया है, सब अलग अलग शेप्स आए हैं, बट आई एम काइंड ऑफ लविंग इट. अभी बना रहे हैं ब्राउनी, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा हाफ बोल जितना मैदा ले लिया है, उसमें मैं 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालूंगी और उतना ही मैं बेकिंग सोडा डालूंगी. अभी इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा दही, मेरे पास अभी आज वेनिला एसेंस है नहीं, सो एकदम थोड़ा सा दही फॉर दैट सॉफ्ट थिंग. एंड अभी मैं डालूंगी इसके अंदर मेल्टेड चॉकलेट है, अपने जो क्वांटिटी में मैदा लिया है अब उतना ही शुगर डालो. एक बार ब्राउनी का बैटर रेडी हो जाए फिर वो पोर कर दो और उसके ऊपर गार्निश कर दो विद सम चोको चिप. बेक इट फॉर 350 degree Fahrenheit फॉर 20 minutes द ब्राउनी. अरे है हरा भरा कबाब और सब इंग्रेडिएंट्स तो रेडी है. मैश्ड पोटैटोज है, बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटोज. उसके अंदर मैं डाल रही हूँ रोस्टेड बेसन, ग्राम फ्लावर क्या है, थिक पेस्ट स्पिनैच का वो डाल रहे हैं,
मैं डाल रही हूँ जिंजर चिली पेस्ट, अभी मैं डाल रही हूँ बॉइल्ड एंड थोड़े बहुत स्लाइटली क्रश्ड ग्रीन पीस, जस्ट लास्ट एक बार मैं स्मैश कर रही हूँ जो थोड़े बहुत छोटे छोटे पोटैटोज दिख रहे हैं ना मुझे। थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ हाथ में, दोनों हाथ में, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर मी टू बाइंड एंड देन कीप इट, और ये ज्यादा चिपकेगा भी नहीं। यू सी, थोड़ा ज्यादा है, एक बार आपके कबाब्स रोल करके हो गए हैं तो अभी इसके ऊपर मैं टॉप कर रही हूँ कैश्यू नट्स और फिर इसको फ्रीज में जाने दें। रेडी। एक साइड ये अच्छे से कुक हो गई है, अभी इसको दूसरे साइड में टर्न कर देती हूँ सो दैट दूसरे साइड में अच्छे से कुक हो जाए। वापस थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं सब पे। ब्राउनी कुक तो हो गया है पर वो थोड़ा नीचे गिर गया इधर, तो अगर मैं इसको पहले क्लीन नहीं करूंगी ना तो फिर इसमें से स्मेल आएगा जला हुआ और फिर फायर अलार्म बजेगा। बड़ा बड़ा कबाब रेडी हो जाएंगे ना शैलो फ्राई करके, तो उसके ऊपर ये इंग्रेडिएंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये है चाट मसाला, ये तो डालना ही, उसके बगैर आपको टेस्ट नहीं आएगा कुछ भी, और वो डाल दिया। उसके बाद जो ये फ्राई किए हैं कैप्सिकम और ग्रीन पीस वो डालना, एंड जस्ट लाइक दैट एवरी थिंग इज जस्ट रेडी एंड टाइम। दिस इज़ ब्राउनी, मैंने इसको थोड़ा गर्म किया है इसके लिए ऐसा क्रम्बल अप हो गया है। ये हरा भरा कबाब एंड ये है चकली।